नमो राघवाय, जय श्री सीताराम। हम अपने जगत गुरु जी की भावार्थ बोधिनी अर्थ समेत चित्रकूट पीठाधीश्वर की पढ़ने जा रहे हैं। आपको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि मेरे सदगुरुदेव भगवान की जो भावार्थ बोधनी है हिंदी टीका, वह एकदम सही है। उसमें एक भी शब्द अशुद्ध नहीं है, इससे मतलब बहुत अच्छी है। एक बार आप श्रवण करेंगे तब आपको पता लगेगा, आप खुद भी ला करके इसे पढ़ करके अनुभव कर सकते हैं। नमो राघवाय, अभी इसमें प्रसंग चल रहा है कि जब मन मतलब प्रताप भानु की कथा पर हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि आप तो प्रतिदिन सुनते हैं इसलिए आपको पता है कि हमारा प्रसंग इस समय कहां पर चल रहा है। वही कथा हम श्रवण करें बड़े भक्ति भाव से। जान समय सुरभूमि मुनि वचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर वही हरन शोक संदेह जन डर पौ मोने से दसुरेसा तुम्हें लागे डरे नरवेशा अनसन सहित मनुज अवतारा ले हो दिन कर वंश उदारा। जब कह दी कि तुम राक्षस अपने परिवार के सहित हो जाओ, तब वो राजा प्रताप भानु डरने लगे। तब भगवान ने आकाशवाणी करके कहा कि आप डरपो मती, में अपने अंशों के सहित अवतार लूंगा इस पृथ्वी पर, और इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लूंगा और सबका कल्याण करूंगा। ऐसी भगवान की आकाशवाणी हो गई। कश्यप अदित तहा तप कीना, कश्यप अदित महातप कीना, तिन कह में पूरव वर दीना, तेजसरत को सिल्या रूपा, कौशल पूरी प्रगट सोर भूपा। उन्होंने कहा कष्ट पर आदिति ने तप किया, मैंने उन्हें वरदान दिया है, वे ही अब अयोध्या में जाकर दशरथ और कौशल्या होंगे और उनके यहाँ मैं पुत्र रूप में जन्म लूंगा, आप चिंता मत करो। ऐसी आकाशवाणी में भगवान ने उन सबको समझा दिया कि आपका मैं कल्याण कर दूंगा। तिनके ग्रह अब तरियाँ जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यो भाई, रघुकुल तिलक सोचार्यो भाई, नारद बचन सत्य सब करियो, नारद बचन सत्य सब करियो, परम शक्ति समय अवतरियो। नारद जी ने श्राप नहीं दिया था कि भगवान को, वही भगवान कह रहे हैं मैं नारद जी के वचन को सत्य करूंगा और मैं अपनी शक्ति सीता के सहित अवतार लूंगा, ऐसा भगवान वचन दे रहे हैं। हरि हो सकल भूमि गरुआई, निरवाय हो देव समुदाई, मैं सबके दुख कारण करूंगा, आप निर्भय हो जाइए, ऐसा भगवान सबको विश्वास दिलाने लगे। और क्या कहने लगे भगवान आगे, गगन ब्रह्म वाणी सुनी काना, गगन ब्रह्म वाणी सुनी काना, तुरत फिरे सोर हृदय जोड़ाना, फिर सोने हृदय जोड़ाना, तब ब्रह्म धरणी समुझावा, तब ब्रह्म धरणी
निये समुझावा तब ब्रह्मादर निये समुझावा। क्या समझाया? ओ भाई भाई बरोस जियावा। तब धरती को विश्वास हो गया और निर्भय हो गई और धरती को ब्रह्मा जी ने समझा दिया। अब क्या होता है आगे प्रसंग सुनो, क्योंकि सभी ने स्तुति की थी ना भगवान की, तब भगवान ने सबको आश्वासन दिया। निज लोक बिरंच गए देवन ये सिखाए, वानर तन धरे धरनि मय हरि पद से वो जाय। और कह दिया कि सभी जितने ही देवी देवता हैं बानर रूप धर करके जाकर के जन्म ले लो, सब भगवान की सेवा करने के लिए सब जा करके बानर भालू बन जाओ। गए देव सब निज निज दामा भूम सहित मन कभी श्रामा, गए देव सब निज निज भूम सहित मन कभी श्राम, जो कछु आयो स ब्रह्मा दीना हर से देव विलंबन कीना, बनचर देह धरी चिति माय अनुच अतुलित बल प्रताप तिनि माय, गिर तन नक आयुध सब वीरा हर मारग बिनवै मति धीरा, गिर कानन जय तै धरि दूपूरी रहे निज निज रानी कर चिरूरी, जय सब रुचिर चरित में वासा बसो सुनऊ जो बीच राका। अब कह रहे हैं शंकर भगवान, मैंने अपनी रुचि के अनुसार कह दिया, अब जो बीच में रह गया उसे भी सुनो। अवधपुरी रघु कुल मणि राऊ, अवधपुरी रघु कुल मणि राऊ, वेद विदित तय जसरथ राऊ, वेद विदित तय जसरथ राऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, वेद भगत मति सारग पानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय मति सारंग पानी, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दड़ हरि पद कमल विनीत। अब तो कौशल्या जी अपने पति के अनुकूल रह करके बड़ी श्रद्धा भाव से अपनी पति सेवा करती हैं। एक बार जब जब आप, और एक बहुत सोचने वाली बात है, आप देखना जो रामचरितमानस में एक शब्द आए तो सोचना रामचरितमानस में कुछ ना कुछ होने वाला है। क्या जैसे कि आप देखो, एक बार त्रेता युग माई संभ गए कुंभज ऋषि पाई, एक बार शंकर भगवान कुंभज ऋषि के यहाँ गए तो क्या घटना घटी, संग सती जग जनन भवानी, सती जी साथ थी तो वहाँ घटना घटी, सती जी और सती मोह की घटना घटी। एक शब्द आया, एक आगे आएगा, एक बार हरि कुसुम सुहाए, भगवान ने एक बार फूलों से सीता जी का श्रृंगार किया तो वहाँ जयंत की घटना घटी, वही एक शब्द यहाँ भी आ रहा है। ऐसे जब जब रामचरितमानस में एक शब्द लिखा हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ नया होने वाला है। तो यहाँ लिखा है, एक बार भूपति मन लग गई, यानी चिंता हो गई किसको, जसरथ जी को, कि मेरे घर में पुत्र नहीं है, घर बिना पुत्र पुत्रियों के घर शोभा मान नहीं होता है। जब हम एक बार छोटे थे, एक निजी अनुभव की बात बताएं, तो एक यज्ञ हो रही थी, उस यज्ञ में इस बालक ने एक ने मतलब
लैटरिन कर दी तो उस माँ ने थोड़ा सा उसमें लगा दिया, छोड़ा थोड़ा सा लगाया, तो जो संत थे जो यज्ञ करवा रहे थे तो मैंने बचपन में देखा, उन्होंने उन्हें बहुत डांटा और डांट के बोली, अरे मूर्ख बालक को मारते हो, मत मार, कभी नहीं मारना चाहिए। जिस घर में बालक लैटरिन नहीं करता है वह घर शमशान के समान रहता है, चाहे उसमें कितने भी टाइल पत्थर शीशे कुछ भी लगा रहे, घर तभी पवित्र होता है जिस घर में बालक लैटरिन करता है। स्त्री का तन तब पवित्र माना जाता है जब वह माँ बन जाती है, नहीं तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, बांझ की जाने प्रसव की पीरा, नहीं तो स्त्री बांझ गई जाती है, इसलिए जब तक माँ नहीं बनती तब तक उसे पवित्र और माँ का दर्जा प्राप्त नहीं होता और स्त्री का पूर्ण रूप नहीं माना जाता है। लक्ष्मी जी को भी तो एक बार भगवान ने, ये कथा आपने सुनी होगी कि लक्ष्मी जी को ही भगवान ने कह दिया कि तुम अपूर्ण हो और लक्ष्मी जी रूठ गई और चली गई, तब आपको मालूम होना चाहिए गणेश जी की पूजा क्यों होती है लक्ष्मी जी के साथ, इसीलिए तो होती है। अब उनको बुरा लग गया जब लक्ष्मी जी से कह दिया तुम अपूर्ण हो, तुम्हारे पुत्र नहीं है, जब रूठ के चली गई तो पार्वती जी के पास पहुंची तो पार्वती जी ने कहा क्यों रूठी हुई हो, तो लक्ष्मी जी ने कहा आज मुझसे विष्णु भगवान ने कह दिया तुम पूर्ण नहीं हो तो अपूर्ण हो। तो स्त्री पूर्ण कब होती है, जब उसके बच्चा हो जाता है, तब पार्वती मैया ने लेके गणेश जी को उनकी गोदी में रख दिया, किसकी में, लक्ष्मी जी की में, और कह दिया अब तो तुम पूर्ण हो गई। इसलिए जब जब लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो साथ में गणेश जी की पूजा होती है, आपको पता है कि नहीं, ये हमें नहीं मालूम लेकिन ये बात सत्य है, गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ इसीलिए होती है, नहीं तो लक्ष्मी अपूर्ण मानी जाती है। तो वही यहाँ हो रहा है। अब उनके जब पुत्र नहीं था तो उनके मन में ग्लानी हो गई कि मेरे पुत्र नहीं है, गुरु ग्रह गए तुरत मई पाला चरण लागे करे विनय विशाला, गुरु ग्रह गए तुरत मई पाला चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाल, निज दुख सुख सब गुरु सुनावा कहे वशिष्ठ भव विधि समुझाव, निज दुख सुख सब गुरु सुनावा कहे वशिष्ठ भव विधि समुझावा। गुरु हमेशा दुख हरण करने के लिए होते हैं, वह गुरु जी के पास पहुंच गए और अपने सब दुख सुख सुना दिया कि गुरुदेव हमारे घर में पुत्र नहीं है इसलिए हम बहुत दुखी हैं, और दशरथ जी ने सब कुछ समझा दिया, निज दुख सुख सब गुरु ने सुनावा, और वशिष्ठ जी ने भी उनका दुख सुन करके बहुत अच्छे प्रकार से उन्हें समझा दिया। क्या समझाया, दरहु धीर होइ सुत चारी, दरहु धीर होइ सुत चारी, दरहु धीर होइ सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयारी, त्रिभुवन विदित भगत भयारी, हे राजन तुम्हारे एक नहीं दो नहीं चार चार पुत्र होंगे और त्रिभुवन के अधिकारी होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सुवय यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र काम के लिए यज्ञ करवा दिया। किसने, वशिष्ठ ऋषि गुरुदेव भगवान है, वशिष्ठ गुरुदेव थे ना, उनने भगवान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा दिया। गुरु वही होता है जो कहते नहीं है, हराई शिष्य गुरु सो कन हराई सो गुरु घोर नरक में परे, जो गुरु अपने शिष्य का दुख हरण नहीं करता वह गुरु भी नरक में जा सकता है। इसलिए हमेशा गुरु अच्छी राह दिखाते हैं, हमें कभी गलत मार्ग पर नहीं ले जाते हैं। अब तो गुरु जी ने श्रृंगी ऋषि को मिला करके यज्ञ करवा दिया। भगत सहित मुनि आयो ते दीने प्रगटे यागिनी चरो चरलीने, प्रगटे यागिनी चरो चरलीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय सकल काम वासे दे तुम्हारा। और जब अग्नि में आहुति दी तो उससे अग्नि देवता प्रकट हो गए, क्या लेकर के, खीर लेकर के, चरु लेकर के, और कहने लगे कि जो भी तुमने अपने हृदय में विचार किया था
वह तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया। और क्या कहा, यह विभांति देहो न पजाई, जतायो गिजय बाग बनाई, जतायो गिजय बाग बनाई। हे राजा, इस बाह यज्ञ के चरु को ले जा करके बांट दो, अलग अलग इसके भाग कर दो, और आगे के उसमें प्रसंग में हम कहेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो वैसा आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। नमो राघव, जय श्री सीता।